सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता। वेलकम टू माय किचन कुक विद संगीता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नई रेसिपी, चिल्ली सोया पनीर बॉल्स। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें जो हमने सोया पनीर बॉल्स बनाए हैं, इनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनते हैं। आप इसे इजीली बना सकते हैं। ये एकदम नई रेसिपी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब जल्दी से चिल्ली सोया पनीर बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप सोयाबीन लिए हैं जिनको मैंने आधा घंटा गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से भीग चुके हैं और इनका पानी मैंने निकाल दिया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इसको डालकर ग्राइंड करेंगे। ये मैंने सोयाबीन को हल्का सा पीस लिया है, दरदरा सा। ये देखिए, इसको मैंने ज़्यादा नहीं पीसा है, बस हल्का सा दरदरा सा पीसा है। अब मैं इसमें डालूँगी एक कप कद्दूकस किया हुआ पनीर। ये पनीर 100 ग्राम है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। मैंने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 5-6 लहसुन की कलियां और 4-5 हरी मिर्च जिनको मैंने अच्छे से कूट लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना सकते हैं। ये मैंने कूट के डाला है इसमें। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार। याद रखिए इसमें हरी मिर्च भी डालिए तो उसके अकॉर्डिंग ही डालें आप। अब आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इसका हमें एक डो तैयार करना है। मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ, इसका एक डो तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स करके इसका हमने डो तैयार कर दिया है। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, बिना पानी के ये डो तैयार हो गया है। अगर आपका ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से बाइंड नहीं हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं और पानी यूज़ करके इसका एक डो तैयार कर लें। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे कि डो हाथों में चिपके ना। तो ये मैं थोड़ा सा घी लूँगी और दोनों हाथों में लगा लूँगी। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम डो लेंगे और इसकी बॉल्स बनाएंगे। आप बॉल्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटी बड़ी, जो भी साइज़ आप रखना चाहते हैं वो साइज़ रख लें। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। ये देखिए, अब इस टाइप से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। अगर हाथों में डो फिर से चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा घी फिर लगा लें और बॉल्स बना लें। ये मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली है। अब इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। ये ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम बॉल्स डालेंगे एक एक करके। ये देखिए, जितनी बॉल्स इसमें आ सकती है उतनी बॉल्स मैंने डाल दी है जो आराम से फ्राई हो सके। फ्लेम हमारी मीडियम है, अब इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए, अब इसको पलट देते हैं। ये देखिए, हमारी सारी बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। याद रखें कि जब हम ऑयल में बॉल्स डालें तो हमारी गैस हाई पर है और बॉल्स डालने के बाद हमको गैस को मीडियम कर देना है और मीडियम गैस पर इसको फ्राई करना है जो अंदर से भी अच्छे से सिक जाए। ये हमने सारी बॉल्स फ्राई कर ली है, अब इसकी हम सॉस बनाएंगे। एक पैन लें, पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे
एक चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, इसको भी हल्का सा इसके साथ भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब इसमें रफली चॉप किया हुआ दो मीडियम साइज का प्याज, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा भून लेते हैं। बस प्याज का कलर पिंक हो जाए इतना ही हमें इसे भूनना है। तो इसको चलाते हुए भून लेंगे हम हल्का सा। दो मीडियम साइज के शिमला मिर्च, इनको भी मैंने प्याज जैसे ही काटा है, जैसे मैंने प्याज काटा था। आप चाहें तो इसको थोड़े बड़े साइज में भी काट सकते हैं, पर जो भी साइज लें सारी सब्जियां एक साइज में काटें। इसको हल्का साइज के साथ भून लेंगे, हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं गलाना है, हमें क्रंची रखनी है सब्जी, गैस की फ्लेम हाई रखनी है। 2 टेबल स्पून हरा प्याज, इसको भी मैंने उसी साइज का काटा है, इसको भी हल्का साइज के साथ भून लेंगे। अभी हमारी गैस की फ्लेम हाई है, हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे जिससे कि हमारी सब्जी ओवर कुक ना हो। अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस और गैस की फ्लेम कर देंगे स्लो। तो 1.5 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली सॉस या ग्रीन चिल्ली सॉस, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं रेड चिल्ली सॉस यूज़ कर रही हूँ। दो बड़े चम्मच टमाटो सॉस, 1 सबको मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है जब हम सॉसेस डालें, नहीं तो हमारी सॉसेस जल जाएगी। तो गैस की फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। ये सारी सॉसेस हमने मिक्स कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और सॉसेस में भी नमक है तो देख के डालें, चेक करके। थोड़ी सी काली मिर्च, अब इन सबको मिक्स कर दें। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर को हम पानी में घोल के डालेंगे जिससे कि हमारी सॉस गाढ़ी हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, 1 थोड़ा सा पानी और डाल दिया हमने जिससे कि हमारी सॉस अच्छे से बनके तैयार हो जाए। अब इसमें 2 बड़े चम्मच विनेगर, ये हमने सिरका डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे और हमारी सॉस अब तैयार है। ये देखिए सॉस हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे सोया पनीर बॉल्स। अब हम इसमें सारी सोया पनीर बॉल्स डाल देते हैं। ये मैंने सारी डाल दी है। अब इसको अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे, जो इन बॉल्स पर अच्छे से सॉस की कोटिंग हो जाए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे जिससे कि बॉल्स में भी अच्छे से सॉस का टेस्ट आए, फ्लेवर आए। तो इसको मिक्स करके हम इसको ऐसे ही पकने देते हैं 1-2 मिनट तक। हमारे चिल्ली सोया पनीर बॉल्स बनके रेडी हैं। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं और सर्व करते हैं। ये हमारा टेस्टी सा चिल्ली सोया पनीर बॉल्स बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। ये एकदम न्यू डिश है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे और नई नई रेसिपियों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।